छतरपुर से खबर सामने आ रही है, सागराज जी श्री अनुराग ने पुलिस कंट्रोल रूम में छतरपुर के समस्त थाना प्रभारियों की एक बैठक ली। इस मौके पर थाने के समस्त थाना प्रभारी मौजूद रहे, साथ ही पुलिस कप्तान सचिन शर्मा, एएसपी विक्रम सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस विभाग का अमला मौजूद रहा। समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रखना है और अपराधों पर नकेल कसनी है। इस मौके पर सिनराग ने पुलिसकर्मियों से अपील भी की कि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था में लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए और आरोपी बचना नहीं चाहिए और लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास भी हो। मैं ज्वाइन करने के बाद ये हमारा छतरपुर में पहला विजिट है और मैंने थाना स्तर पे थाना प्रभारियों को भी आज बुलाया था एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग के लिए भी, और मेरे कुछ निर्देश हैं और जो यहाँ पे जो क्राइम है उसके संबंध में कुछ निर्देश देने के लिए। जो गंभीर अपराध हैं, गंभीर अपराधों से संबंधित हमने यहाँ पे एक समीक्षा की और सभी अधिकारियों को और जो थाना प्रभारियों को हमने निर्देशित किया है कि किस तरह के मामले में किस तरह से कार्रवाई करनी है, प्लस बहुत सारे निर्देश ऑलरेडी पहले से हमारे जारी रहते हैं तो उसकी कार्रवाई ठीक से हो उसकी समीक्षा की और सभी को निर्देशित भी किया है। इसके अलावे और भी बहुत सारी चीज़ें हमने बताया जिसमें पुलिस का प्रेजेंस जो होना चाहिए, प्रेजेंस दिखना चाहिए जनता के बीच में, वो प्रेजेंस दिखे, पुलिस उपस्थित रहे, दिखे वहाँ पे कि पुलिस है, महिलाओं के साथ और वीकर सेक्शंस के लोग के साथ हमारी पुलिस का व्यवहार जो है वो अच्छा होना चाहिए, किसी भी प्रकार की लापरवाही इसमें नहीं हो, ये ध्यान रखने की बात है। और ख़ास तौर पे कुछ अवैध जो गतिविधियां हमारे यहाँ चलते रहती हैं, जुआ हो गया, सट्टा हो गया, अवैध उत्खनन हो गया, शराब माफिया के लोग जो काम करते हैं, इस तरह के अपराधियों के खिलाफ़ या इस तरह के काम जो कर रहे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। विशेष तौर पे जो जहरीली शराब की जो घटनाएं घटित होती हैं उसमें ज़ीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है, किसी प्रकार की अगर कोई घटना घटित होती है किसी थाना क्षेत्र में तो निश्चित रूप से वैसे लापरवाह अधिकारियों के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लोग चिन्हित करते हैं उसका जल्द से जल्द विवेचना के साथ साथ जल्दी से जल्दी उसका ट्रायल हो जाए ताकि अपराधियों को सज़ा जल्दी मिल जाए, इस पे सभी लोगों को निर्देशित किया गया है। वारंट के तामीली के बारे में भी सभी को बताया गया है, इस पे थोड़ा सा सक्रिय रहें। हमारे यहाँ अभी ऑपरेशन मुस्कान का अभियान चल रहा है, लोगों को बताया गया अधिकारियों को इस पे विशेष रूप से ध्यान रखें और अधिक से अधिक गुम बालक बालिका को ढूंढने का प्रयास करें। साथ ही साथ आने वाले समय में जो त्यौहार हैं, खासतौर पे अभी महाशिवरात्रि आने वाला है और इसके अतिरिक्त होली है, रंगपंचमी है और शबे बारात है, इन इन सब जो त्यौहारों को ध्यान रखें रखते हुए जो भी मीटिंग करनी है, शांति समिति की बैठक एसपी लेवल पे मतलब जिले लेवल पे या फिर एसडीओपी लेवल, एसडीओपी अपने अनुभाग लेवल पे करना चाहते हैं वो कर लें ताकि ये त्यौहार शांति और सौहार्द वातावरण में संपन्न हो सके। मेरे मोटे मोटे निर्देश थे और कुछ जो छोटी छोटी बातें आई उस पर हमने भी निर्देश दिया है, समान रूप से मैंने इस पर समीक्षा ली थी और सभी लोगों को निर्देशित किया।